बरेली की यहाँ महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलाखंड विश्वविद्यालय में छात्रों को आ रही परेशानियों के चलते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने कुलपति को अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया और अखिल जो भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है जो कि अपनी समस्या को रखता आ रहा है और जो कि अपनी स्थापना काल से ही छात्र हित और समाज हित व राष्ट्र हित में कार्य करता आ रहा है। इस क्रम में पदाधिकारियों ने अपनी 3 मांगें रखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि विश्वविद्यालय में परीक्षा अपनी निर्धारित समय पर नहीं कराई जा रही है। आज हम लोग बीसी साहब को रोहिलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय जी को कुछ 8 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लेकर आए थे। इन मांगों में एक तो ये था कि अभी हाल ही में क्या हुआ, रिजल्ट जारी हुआ है बीकॉम का, उसमें तमाम क्या लिख के आ रहा है, पिछले 6 महीनों से हम लोग इसको लेकर तमाम आंदोलन भी करते चले आए लेकिन फिर भी परीक्षा विभाग द्वारा आगे कोई सुधार नहीं किया जा रहा। जो विद्यार्थी परीक्षा देते हैं उनके पे भी नॉट एप्लीकेबल एन ए लिख कर आता है और अगर पास की स्थिति में क्या एन सी लिख के आता है नॉट क्लियर। तमाम ऐसे विद्यार्थी जो पास हो रहे होते हैं उनको नॉट क्लियर दिखा दिया जाता है।